हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम CITS RPL स्कीम के बारे में बात करेंगे, जो कि DGT की तरफ से लेटर जारी किया गया है, जो कि CITS RPL के थ्रू होता है। सेशन 2023-24 के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें पूरा शेड्यूलिंग दिया गया है कि इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, वेरीफिकेशन कब होगा, एग्जामिनेशन कब होंगे, रिजल्ट कब डिक्लेयर्ड होगा, तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं, यहाँ सब्जेक्ट्स में देख लीजिए, बात किया गया है कि टेंटेटिव एक्टिविटी शेड्यूल ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT ऑफ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर अंडर CITS RPL फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये CITS RPL होता क्या है। वैसे देखिए, वैसे इंस्ट्रक्टर जो कि प्राइवेट या गवर्नमेंट ITI में वो टीचिंग कर रहे हैं और उनको 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उनको ITI या NSTI में जा कर के, ITOT में जा कर के उनको CITS करने की ज़रूरत नहीं होता है। वो ओनली एक्सपीरियंस बेसिस पे, वो बिना कॉलेज गए वो CITS को पूरा कर सकते हैं। बस उनको एग्ज़ाम वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो CITS RPL के लिए आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता है, डायरेक्ट एग्ज़ाम देते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो ये DGT की तरफ से ये जारी किया गया एक्टिविटी उनका। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पे देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर पे बात किया गया रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेनीज लिंक अवेलेबल। देखिए, जो उनका NIMI ऑनलाइन admission.in इनका पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि उसका डेट है ये 8 जनवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 के बीच में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जो कि NIMI के द्वारा लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। और सेकेंड नंबर पर देख लेते हैं, ऑनलाइन वेरीफिकेशन ऑफ अप्लीकेशन थ्रू स्टेट डायरेक्टोरेट्स ऑफ या RDSTES। तो देखिए, जो आप डिटेल्स फिल करेंगे इसमें, तो उनका जो वेरिफिकेशन होगा 12 फरवरी 2024 से 11 मार्च 2024 में होगा, ये स्टेट के द्वारा किया जाएगा। फिर देखिए, थर्ड नंबर पे है ऑनलाइन ट्रेनिंग टू बी कंडक्टेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो देखिए, जो आप जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा, तो आपका 18 मार्च 2024 से लेकर के 17 अप्रैल 2024 के बीच में आपका ये ट्रेनिंग ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, ये NIMI के द्वारा ही कराया जाएगा। फिर फोर्थ नंबर पे देखिए, एग्जामिनेशन फी लिंक इज़ अवेलेबल एट NIMI admissions.online.in। तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर मैपिंग जो भी होता है, ड्राइंग वगैरह का, तो उनका ये मई 2024 में बाई NIMI के द्वारा किया जाएगा दोनों, तो आपको इस डेट को याद रखना है। फिर देखिए, सिक्स नंबर पे यहाँ पे देख लेते हैं, सिक्स नंबर पे जनरेशन ऑफ हॉल टिकट, फिर डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, सॉफ्ट स्किल्स, प्रैक्टिकल, CITS RPL फॉर द ईयर 2022 ऑनली, ये उनके लिए है। तो ये जो इनका एक्टिविटी है, ये जून जुलाई 2024 में ये सब सारे NIMI के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। और फिर देखिए, यहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिकल्स का भी उसी मंथ में होगा, ट्रेनिंग मेथोलॉजी प्रैक्टिकल CBT एग्जामिनेशन ऑनली आपके जून जुलाई में ही हो जाएंगे। और देखिए, 12 नंबर पे अपलोडिंग कंपाइलिंग ऑफ ऑनलाइन एग्जाम मार्क्स, प्रैक्टिकल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग मार्क्स। तो देखिए, आपका जो CBT मोड में जो एग्जामिनेशन होता है, जो प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होता है, उनका जो मार्क्स है अपलोडिंग का, ये काम अगस्त में होगा, ये NIMI के द्वारा ही होगा। फिर लास्ट में देखिए, रिजल्ट डिक्लेरेशन का दिया गया है, वो बाई DGT के द्वारा किया जाएगा, वो भी आपका अगस्त में आएगा 2024 में। तो ये देखिए नोटिस था CITS RPL के थ्रू, जितने भी लोग करना चाहते हैं तो ये इस स्कीम के थ्रू कर सकते हैं। बस इसमें कंडीशन यही है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस टाइम उस कॉलेज का डिटेल्स मांगा जाता है, फिर वहाँ से वो एक्सपीरियंस डिटेल्स फॉरवर्ड होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, वैसे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इसी चैनल पे, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको अदर कोई भी कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। और जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन का, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इनका वेबसाइट पे जा करके। तो चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।